इस मूवी में एक लाइन है जो इसके पोस्टर पे आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएगी, फियर कैन होल्ड यू प्रिजनर, होप कैन सेट यू फ्री। मतलब कि जो डर है वो आप लोगों को कैद रखेगा और जो उम्मीद है वो आप लोगों को आजादी दिलाएगा। यह हमारे जीवन के हर एक स्तर पर काम आने वाली लाइन है अगर आप लोग इस चीज में बिलीव करते हो तो। अगर उम्मीद है तो जीतने का जीने का जज्बा बना रहेगा, उम्मीद है एक दिन कामयाब जरूर होंगे, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है और ये एक ऐसी चीज है जिसको आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, जिसे कोई जिसके नजदीक भी कोई पहुंच भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं द शोशंक रिडेम्पशन मूवी के बारे में जो 1994 के अंदर आई थी। अगर तुम उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो कि यार ये बहुत ज्यादा ओल्ड मूवी है, इसके अंदर तो पता नहीं कुछ और ही तरीके का ग्राफिक्स या वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि इस मूवी से दूर रहो, क्योंकि तुम लोग पोगो देखने वाले हो, जाके पोगो ही देखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आर्ट क्या होता है। अब इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये 1994 के अंदर आई थी, ये उस टाइम जो है बॉक्स ऑफिस पर एकदम फ्लॉप मूवी गई थी। कुछ टाइम बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। मैं हैरान हो गया यार ये देख के कि इस वक्त जो 1994 में इतनी कमाल की मूवी, उस वक्त लोगों ने इसको पहचाना तक नहीं, इसकी खूबसूरती नहीं पहचाना। बट ये एक तरीके से हमारे सामने एक एग्जाम्पल बन के आती है, एग्जाम्पल इस चीज का कि आपके अंदर काबिलियत है, जरूरी नहीं कि आपको उसी वक्त पहचाना जाए, आपको उसी वक्त रिकॉग्नाइज किया जाए। कुछ टाइम लगेगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी काबिलियत को जाना जाएगा। बस उस दिन का वेट करना होगा और आपको अपने धैर्य के साथ उस दिन का इंतजार करना होगा। देखो यार, इस मूवी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मैंने सोचा है कि आने वाली अपनी लाइफ में इसके जो लेसंस है वो उसको इंप्लीमेंट करूंगा। और सच कहूं यार, इंप्लीमेंट करूंगा नहीं बल्कि उन्हें इंप्लीमेंट कर चुका हूं मैं। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। बट एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि यार देखो, इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं, बट मैं एक तरीके से इस चीज की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि स्पॉयलर्स कहीं पर भी आपका इंटरेस्ट कम नहीं करने वाले, इवन ये आपका इंटरेस्ट इस मूवी के अंदर और ज्यादा बढ़ाएंगे। एक एंडी नाम का शख्स है जो बैंक में काम करता है, उसको अपनी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में इसको उम्र कैद दी जाती है, और जो कि उसने किया भी नहीं होता। और अब ऐसा किसी इंसान के साथ होता है तो सोचो यार वो कितना टूट जाता है, वो यही सोचता है कि यार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसकी इतनी किस्मत खराब है। बट यहां पर एंडी का जो करेक्टर है वो कमाल का है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। जब आप ये मूवी देखोगे तो आप देखोगे कि एंडी का जो करैक्टर है वो कुछ टाइम जब जेल में जाता है वो किसी से भी बात नहीं करता, इवन वो ऑब्जर्व करता है कि किससे उसे बात करनी चाहिए, और काफी टाइम बाद वो अपना टाइम लेकर ऑब्जर्व करके लोगों को वो एक शख्स से बात करने पहुंचता है जिसका नाम है रेड, जिसे प्ले किया मॉर्गन फ्रीमैन ने। एंडी ने रेड को इसलिए चुना क्योंकि उसको यकीन था कि यही वो एक ऐसा इंसान है जो उसके ताउम्र फ्रेंड रह सकता है, उसका दोस्त बन के रह सकता है और जिसके ऊपर ये यकीन कर सकता है। अब अगर रेड के बारे में बताऊं तो रेड 20 सालों से जेल के अंदर है। जब एंडी जब आया था तो ये 20 साल कंप्लीट कर चुका था रेड अपने जेल के अंदर ही, और ये काफी टाइम से पैरोल दिए जा रहा है कि उसे माफी दे दो, उसकी मतलब अब उसको रिहा कर दो, बट उसकी बार बार जो है वो पैरोल रिजेक्ट की जा रही है। और रेड ही जो है वो इस पूरी जेल के अंदर जो बाहर से सामान ला के देता है लोगों को, जैसे सिगरेट हो गई या छोटा मोटा सामान हो गया, वो बाहर से लाके लोगों को यहाँ पर पकड़ा देता है। अब एंडी निर्दोष होते हुए भी जेल के अंदर गया, वो भी ताउम्र के लिए। अब तुम सोचोगे यार इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे बुरा होता है जब एंडी जेल में होता है उसके साथ 2 साल तक रेप होता है, लेकिन ये इंसान तब भी डटा रहता है, इसको उम्मीद होती है कि एक दिन वो होगा जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, और उस उम्मीद के कारण ये इंसान बिल्कुल भी नहीं टूटता और डटा रहता है। और ये मूवी आप लोगों को ये भी सिखाएगी कि जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने जो शिक्षा ली है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और यहाँ पर एंडी जो है वो बैंकर है, उस बैंकर के कारण वो काफी लोगों की मदद करता है जेल के अंदर ही, इवन जो गार्ड होते हैं, जो जेलर होते हैं, उनका टैक्स रिफंड करने में, जिस कारण वो अपने लिए अपने दोस्तों के लिए कुछ मदद ले पाता है इन गार्ड से। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले, बट एक स्पॉयलर मैं छोड़ने वाला हूं क्योंकि मैं आप लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता। ये चाहता हूं कि यार आप लोग जब इस मूवी को देखोगे और वो स्पॉइलर जब आपके सामने आएगा ना यार, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी यार। वो मतलब मुझे लगता है कि यार हाँ यार, एटलीस्ट वो चीज तो आप लोगों को फील करनी चाहिए, तो वो मैं नहीं बताने वाला हूं। और ये मूवी कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं, बल्कि इस तरीके से, इस नजरिए से देखो कि आप लोगों को आपके जीवन के अंदर कितनी ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलने वाली है इस मूवी के द्वारा। एंडी जो है वो 20 साल तक जेल में रहा, उसको उम्र कैद होती है, लेकिन वो 20 साल तक जेल में रहने के बाद जेल से भाग जाता है। और भागता भी कैसे, वो 20 साल तक एक चम्मच जितनी, एक छोटी सी हथौड़ी से एक दीवार के अंदर इतना सुराख करता है कि वो उससे वो भाग पाए। यार कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए, कितना ज्यादा धैर्य
चाहिए, कितनी ज्यादा मतलब उसको, मतलब वो करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। उसने वो किया, दिन में नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ रात में वो चीजें करता था। धीरे 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 वो उस दीवार को खोदता था, चीजें निकालता था, मिट्टी को निकालता था, मिट्टी को ले जाके बाहर फेंकता था, एक एक मुट्ठी वो करता था। 20 साल तक उसने वो किया। और तो और ये करने के साथ साथ उसने कभी भी इस चीज के बारे में अपने जो दोस्त, जो उसका जिगरी दोस्त है, जो 20 सालों से उसके साथ रह रहा है रेड, उसने उसको एक बात तक नहीं बताई कि वो क्या करने वाला है। यार देखो यार, इस मूवी से ये भी सीख सकते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ का जो सीक्रेट है, जो भी आपके सबसे ज्यादा नजदीक है, उसे भी नहीं बताना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आप अपने दोस्त चुनते हो तो देख परख कर चुना करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होते हैं। कि आपको जो सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हो उनकी लाइफस्टाइल से, उनके कहने से, उनकी जो कोई एडवाइस लेने से। तो बहुत सोच समझ के अपने दोस्तों को चुना करो। कोई ऐरे गहरे लल्लू पैरे मतलब ऐसे को बिल्कुल भी मत अपनाओ कि भाई हाँ आपने चुन लिया कि यार इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, भले वो नशेड़ी गंजेड़ी या फिर कुछ भी दुनियादार की कुछ भी, उसने कुछ भी नहीं किया हो और सिर्फ बातें फेंकने वाला हो, यार ऐसे लोगों से ऑलरेडी दूर रहो। यार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्ती के नाम पर मैं ऑलरेडी बहुत से लोगों को परख चुका हूं, और आज के टाइम में मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि यार दोस्त जो होते हैं ना, तुम कहते हो कि कमीने बहुत बड़े, जो कमीने होते हैं वो असलियत में, ऐसा कुछ नहीं होता यार। दोस्त का मायना बहुत एक अलग होता है। आपका जो सच्चा दोस्त होता है वो आपको कभी भी गड्ढे में जाने के लिए कभी नहीं कहेगा, लेकिन एक कमीना दोस्त कह लो वो तो आपको ऑलरेडी गड्ढे में भेजने के तैयार होगा, क्योंकि उसे कमीने का वो टैग चाहिए होता है। तो ऐसे दोस्तों से बचकर रहो, धैर्य रखो, उम्मीद रखो, ये सब चीजें बहुत काम आने वाली हैं आपकी लाइफ में अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए। देखो यार, ये मूवी आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। आप ये सोचो कि यार इस मूवी में तो यार एक इमेजिनरी कैरेक्टर दिखाया गया, यार छोड़ो यार तुम उस चीज को भी छोड़ दो, तो एक खुद अगर इस मूवी को भी देखो जो 1994 के अंदर आई थी, और इस मूवी में जब 1994 में आई थी ये फ्लॉप हुई थी, इसको कुछ टाइम बाद जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, और आज की टाइम में अगर आप इसकी IMDb के ऊपर अगर इसकी रेटिंग देखो तो यार वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है। और इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मूवी जो है वो एंटरटेनमेंट ना होकर एक इंस्पायरेशनल एक मूवी है, और ये मूवी आप लोगों को उम्मीद देगी, उम्मीद में जीना सिखाएगी कि उम्मीद रखो, और उम्मीद में यार सच में बहुत बड़ी ताकत होती है। और उम्मीद के कारण यार तुम मुझे ही देख लो यार, रोज वीडियो अपलोड करता हूं ये जानते हुए कि 20-25 व्यूज आएंगे, फिर भी उम्मीद है कि एक दिन ये चैनल चलेगा, उम्मीद है कि एक दिन मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हाँ कभी कभी निराश हो जाता हूं, वो स्वाभाविक है, मनुष्य हूं, लेकिन उम्मीद के कारण फिर से वो निराशा दूर होती है और अपने काम को फिर से मैं अपने करने के लिए तैयार होता हूं। और हर दिन वीडियो अपलोड करने के लिए मैं मतलब वो उस उम्मीद के कारण ही यार, उम्मीद है मुझे अपने ऊपर, यकीन है, उम्मीद है कि एक दिन जरूर मैं इस चैनल को ग्रो कर पाऊंगा, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा पाऊंगा। तो यार देखो, तुम्हारे सामने मैं खुद एक एग्जांपल लेके बैठा हूं कि मुझे भी उम्मीद रख के बैठा हूं कि हाँ सब ठीक होगा यार, सब चीजें चलेंगी। तो तुम भी उम्मीद रखो, इस चीज से सीखो, इस मूवी से सीखो, कुछ भी आपकी पास जो नॉलेज है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। और अगर मैं इस मूवी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार जहां पर मॉर्गन फ्रीमैन का नाम आ जाए तो सोच लो यार, वो एक्टिंग के मामले में एक्टिंग के भगवान है, उनको गॉड कहा जा सकता है एक्टिंग का। तो यार वहां पर ऐसे इंसान की बात हो तो यार आप 1% भी ये नहीं सोच सकते कि उन्होंने कम किया होगा। वो यार उनके बारे में बोलना ही एक मतलब मैं कहूंगा कि यार कम शब्द है मेरे पास उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताने के लिए। और बाकी जितने भी अन्य कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, चाहे वो जेलर हो या फिर और बाकी अन्य कलाकार हो, सब ने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी ईमानदारी से निभाई है। बाकी मैंने कुछ चीजें इसके अंदर नहीं बताई हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार आप जब ये मूवी देखो तो आप वो खुद फील करो। और इस मूवी का मेन मोटिव तो यही है कि कैद जो है मतलब वो आप कैद में इसलिए रहते हो क्योंकि आप लोगों को डर होता है, डर के कारण ही आप कैद हो। जिस दिन आपके पास उम्मीद होगी, होप होगी, आप उस कैद से आजाद हो जाओगे। नो डाउट ये मूवी डिजर्व करती है 10 out of 10। और इस मूवी को कितनी बार भी देखो यार आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। और जब भी इसे आप देखोगे अलग मतलब कि कितनी जितनी बार भी आपने एक बार देख लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, जब भी आप इसको देख रहे होगे एक तरीके से आपको नया नजरिया ही मिलेगा इस मूवी को देखकर एक लाइफ को जीने का। और यही तो एक आर्ट की खूबसूरती है कि आपको जीने का एक नया नजरिया दे। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, और बाकी अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो यार, बहुत कुछ तुमको इस मूवी से सीखने को मिलेगा।
आप मोटिवेट होगे, इंस्पायर होगे इस मूवी से, इस मूवी से खुद से इंस्पायर हो जाओगे, जो फ्लॉप होकर अब इतनी ज़्यादा हिट है, लोगों ने अब इसे पहचाना है कि कितनी, अब नहीं बहुत पहले पहचान लिया था, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस वक्त नहीं पहचाना जब ये आई थी। तो एक तरीके से अगर आप लोगों को आज कोई नहीं पहचाना तो डरो मत, आप अपने काम में लगे रहो, एक दिन वो आएगा जिस दिन आप लोगों को ये जमाना या एक समाज जो है, ये दुनिया जो है वो रिकग्नाइज करेगी, बट आप लोगों को डटे रहना है, आप लोगों को अपना काम करना है। तो यार अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो, और जिन्होंने देख ली है तो कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। ऑब्वियसली यार ये हिट ही रही है, आप लोगों को ये बहुत कुछ सिखा के गई है, तो मुझे नहीं लगता कोई किसी का कोई नेगेटिव इसके ऊपर व्यू होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।